हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में सरकारी विभागों में लगे पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे। मोटर यान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। आरटीओ संदीप सेन के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन बंद किया दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय वाहन राज्य सरकार, संघ या राज्य के क्षेत्र के सरकारी वाहन, इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सभी वाहन 15 साल से पुराने वाहनों का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा आरटीओ विभाग स्कूलों की गाड़ियों के फिटनेस और जीपीएस लगाए जाने पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। आरटीओ संदीप सेरी ने कहा कि समय समय पर विभाग स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा फिटनेस और रिन्यूअल के समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्कूल बस में जीपीएस लगा है कि नहीं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा जीओ जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सरकारी वाहन हैं स्टेट के अंदर, जिस भी उपक्रम के हैं, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा और स्वतः ही वो जो है निरस्त माने जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन और संचालन जो है बंद माना जाएगा। स्कूल बसों में माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश किया गया था कि सभी स्कूल बसों में जीपीएस लगेगा, तो हमारे यहाँ फिटनेस के टाइम पे भी ये देखा जाता है और परमिट रिन्यूअल